स्टूडेंट, मैं मुकेश सर। काफी स्टूडेंट का बोलना होता है, सर जब हम मोटिवेशनल बातें पढ़ते हैं, हम कहीं सुनते हैं तो हम काफी एनर्जेटिक होते हैं, काफी अच्छा लगता है, लेकिन दो दिन, तीन दिन, चार दिन, कुछ टाइम निकलने के बाद हम सर फिर वैसे ही हो जाते हैं। सर इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? तो मैं उन सारे स्टूडेंट को ये बार बार यही समझाता हूं, मोटिवेशनल बातें सुनना, पढ़ लेना, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, वो फॉर द टाइम बीइंग के लिए आपको चार्ज कर रहा है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन है आपको आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाना, आपको अपने आप पे भरोसा होना, जिसको मैं बिलीव सिस्टम बोल सकता हूं। जिस दिन स्टूडेंट आपके अंदर आपका बिलीव सिस्टम जागृत हो गया, आपको किसी मोटिवेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मोटिवेशनल बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें खुद ब खुद आपके साथ पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। एक दो नहीं, इसके हजारों एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट, आप उस एग्जाम्पल से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, माय डॉक्टर टोल्ड मी यू नेवर वॉक, माय मदर टोल्ड मी यू विल, आई बिलीव ऑन माय मदर रेदर देन डॉक्टर। बेस्ट एग्जाम्पल, विल्मा रुडोल्फ, अमेरिकन एथलीट्स, जिनको पोलियोग्रस्त थी, डॉक्टर ने बोला आप लाइफ में चल नहीं सकते हो। स्टूडेंट वो सिर्फ चली नहीं, सिर्फ दौड़ी नहीं, और एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन गोल्ड मेडल ओलंपिक जैसे खेल में उन्होंने अपने नाम किया और उन्होंने एक इतिहास रचा, एक हिस्ट्री बना दी। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रीजन था उनका बिलीव सिस्टम। उन्होंने अपने मदर पे ट्रस्ट किया कि मां बोल रही है वो सही है, डॉक्टर बोल रहा है वो गलत है, और उन्होंने इस चीज को प्रूफ किया। उसी तरीके से स्टूडेंट आपको भी अपने साथ करना है। मैं फिर से रिपीट करूं, एक नहीं, दो नहीं, नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स हैं। रामायण कार्यक्रम को किसी के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, घर घर में चर्चित कार्यक्रम था। अब वो कार्यक्रम काफी अच्छा हुआ, सारे लोग इससे फैमिलियर हैं, लेकिन काफी कम लोग इस चीज से फैमिलियर होंगे कि उस पूरे रामायण में जो संगीत दिया वो संगीत देने वाले थे रविंद्र जैन। तो इसमें क्या स्पेशल? रविंद्र जैन नहीं देते, कोई और देता, रविंद्र जैन ने दिया, इसमें क्या स्पेशल? तो इसमें ये स्पेशल है स्टूडेंट कि रविंद्र जैन जन्मजात अंधे, ब्लाइंड व्यक्ति थे, और वो अंधे होने के बावजूद भी उन्होंने वो सारे किरदार, जो कोई किरदार उनके सामने प्ले नहीं हुआ, ना उन्होंने राम को वो राम का एक्ट करते हुए देखा, ना सीता को सीता का एक्ट करते हुए देखा, ना लक्ष्मण को लक्ष्मण का एक्ट करते हुए देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने जो संगीत दिया वो पूरे रामायण में काफी चर्चित हुआ। उसी तरीके से उनका एक संगीत, एक उनका गाना जो काफी ज्यादा भारतीयों में चर्चित रहा, एक राधा और एक मीरा जिन्होंने श्याम को चाहा। अब न तो उन्होंने राधा को देखा, न तो उन्होंने मीरा को देखा, न तो श्याम को देखा, सिर्फ कल्पना मात्र से उन्होंने एक संगीत बनाया जो लाखों करोड़ों भारतीयों के ऊपर आज भी राज कर रहा है। तो उसके पीछे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रीजन उनका बिलीफ सिस्टम, उनके बिलीफ सिस्टम ने बताया आप कर सकते हो। उसी तरीके से स्टूडेंट, जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप कर सकते हो, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने लाखों लोगों के मुंह से सुना होगा कि अगर आपको उस व्यक्ति को देखना होगा जो आपको हेल्प कर सकता है, तो सबसे पहले मिरर में आप अपने आप को देखना। आपको उस दिन समझ में आएगा कि बस यही एक व्यक्ति है जो मुझे लाइफ में हेल्प कर सकता है। दुनिया के बाकी सारे लोग टेम्पररी हेल्प करेंगे, जो आप अपने लिए हेल्प करोगे वो परमानेंट हेल्प होगा। तो स्टूडेंट आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि खुद के ऊपर आपने ट्रस्ट करना चाहिए, खुद के ऊपर भरोसा करना चाहिए, एक बिलीफ सिस्टम जागृत करना चाहिए।